इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक रहेंगे और 10 अलग अलग मीटिंग में शिरकत करेंगे। नमस्ते मैं राशिद। G20 समिट से बड़ी खबर आ गई है। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में मुलाकात करेंगे और अपने स्टैंड अलग अलग मुद्दों पर रखेंगे। एनवायरमेंट का इशू होगा, सेहत का इशू होगा, वॉरफ्रंट दुनिया भर के जितने खुले हैं इसे लेकर के प्रधानमंत्री सीधा संदेश देंगे। लेकिन जितनी बिग ब्रेकिंग है सबसे पहले आप ये जान लें। पहली बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में नहीं जा रहे हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि पुतिन को है हत्या का डर कि कहीं G20 समिट में कोई उनकी हत्या कर ना दे, उनके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र न रचा जाए। व्लादिमीर पुतिन अपमान से भी डर रहे हैं क्योंकि लगभग 9 महीने की जंग के बाद में अभी तक यूक्रेन पर फतह हासिल नहीं कर पाए हैं। व्लादिमीर पुतिन को खेरसोन से पीछे हटने का डर भी सता रहा है, लिहाजा बाली नहीं जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। बाली में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच में मुलाकात होने वाली है। बाली में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चाइना के दोबारा से निर्वाचित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात होगी। चूंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो तनाव की वजह है वो है चाइना और ताइवान का युद्ध और यही है फ्लैश पॉइंट। लेकिन अलग अलग जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है उसे लेकर के प्रधानमंत्री क्या बड़ा संदेश देंगे, इस पर इंडिया न्यूज़ की नज़रें टिकी हैं। 20 जो बड़े देश हैं इनके बारे में आपको बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, इसके अलावा यूक्रेन, रशिया, भारत, अमेरिका, ये वो देश हैं जो G20 समिट में, ये बड़े देशों की मैंने बात की है। G20 समिट में दरअसल ये भी पता चलेगा कि कौन है विश्व की असली महाशक्ति। युद्ध को लेकर के पीएम क्या संदेश देंगे इस पर तो नज़रें टिकी हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ में जो मीटिंग होने वाली है इस मीटिंग का आउटकम भी भारत के भविष्य के लिहाज से कई मायनों में खास हो जाता है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऋषि सुनक के साथ में, चूंकि ऋषि सुनक के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर के बातचीत होगी, इस पर भी इंडिया न्यूज़ डिजिटल आपको हर एक जानकारी देगा। G20 समिट इंडोनेशिया के शहर बाली में, इससे जुड़ा हर एक अपडेट सिर्फ इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर।